जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी वर्ष 2023 में फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत के जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, व्रत के दौरान क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संपूर्ण पूजन विधि, व्रत महत्व व नियमों के बारे में। आप सभी को फाल्गुन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है और वहीं पर हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में दुर्गा माता, चौथ माता का पूजन किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और फाल्गुन मास संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। धन धान्य और आरोग्यता की प्राप्ति इस व्रत के प्रभाव से होती है और सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होती है। संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत में इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ, जो कि सुबह के वक्त और फिर शाम को चंद्रोदय होने के बाद भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान गणेश, जो कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र, भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश, जो कि विघ्न विनाशक है, विघ्नों को हरने वाले हैं तथा अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। जो भी भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी का व्रत, इस व्रत को हमेशा, जो कि चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी लेनी चाहिए। यदि वह दो दिन हो तो चंद्रोदय व्यापनी हो तो मातृ वृद्धा प्रशस्त के अनुसार पहले दिन व्रत करनी चाहिए और इस दिन, जो कि लाल वस्त्र धारण करके ऋतु काल के गंध पुष्पादि से भगवान गणेश जी का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे करके वायन आदि दे करके उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन, जो कि हेरम्ब नामक गणेश जी का पूजन किया जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार सुबह 6:24 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 10 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार सुबह 7:59 पे। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है संकष्टी चतुर्थी व्रत के लिए, वह समय 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को रखा जाएगा और 9 फरवरी को, जो कि सूर्योदय का समय, सुबह 6:37 और सूर्यास्त शाम 5:47 और चंद्रोदय का जो समय होगा, जब आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और भगवान गणेश का पूजन करें, तो चंद्रोदय का समय रात्रि 8:56 और चंद्रास्त सुबह 8:44 पे। तो आप भगवान गणेश जी का, जो कि सुबह के समय में तो पूजन करें ही, और चंद्रोदय, जो कि रात्रि 8:56 पे है, तो इस समय भगवान गणेश जी का पूजन करके चंद्र देवता को, जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें, उसके बाद फिर वायन आदि निकाल करके उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत में उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार का सेवन करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा, वह समय 1:36 से 3:00 तक राहु काल का समय होगा।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन नक्षत्र जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 10:27 तक, उसके बाद हस्त नक्षत्र, योग जो कि सुकर्मा योग शाम 4:46 तक, उसके बाद धृति योग। जो भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन भगवान के पूजन के लिए, जो कि विशेष प्रकार से शाम के समय में भगवान का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा जब उदित हो उस समय। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करे, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में ही, या भगवान गणेश जी के मंदिर में पूजन करते हो तो मंदिर में करे, घर पे पूजन हो तो भगवान गणेश जी के पूजन के लिए एक चौकी लगाए, चौकी पे लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा, साथ में माता दुर्गा, चौथ माता का या फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन जो कि इनका जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान गणेश को पीला वस्त्र या लाल वस्त्र अर्पित करे, उसके बाद फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करे। विशेष प्रकार से लाल पुष्प भगवान गणेश जी को चढ़ाना चाहिए और भगवान गणेश जी को जो कि सिंदूर अति प्रिय होता है तो उन्हें सिंदूर अर्पित करें, और भगवान गणेश जी को जो कि दुर्वा दल अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी को अर्पित करें। विशेष प्रकार से जो कि भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाना चाहिए, लड्डू का भोग लगाना चाहिए, भगवान गणेश को लड्डू मोदक अति प्रिय होता है। जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि बन सके, जो भी मिष्ठान आदि हो, वह भगवान गणेश जी को अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए। जब भी भगवान गणेश को नैवेद्य का भोग लगाते हैं तो भगवान गणेश को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें, नैवेद्य का भोग लगाते वक्त तुलसी दल के जगह भगवान गणेश जी को दुर्वा दल डाल करके भोग लगाएं। भगवान गणेश के पूजन में जो कि तुलसी दल का निषेध माना गया है। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं, इसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान गणेश जी को अर्पित करें। इसी प्रकार से माता दुर्गा माता, चौथ माता का पूजन करें। माता को स्नान के लिए जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाएं, लाल वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद फिर श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें। स्त्रियां माता दुर्गा को जो कि सिंदूर अवश्य ही चढ़ाएं और पुरुष माता दुर्गा को रोली अर्पित करें। विशेष करके इस व्रत को स्त्रियां धारण करती हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, वैसे इस व्रत को कोई भी धारण कर सकते हैं। तो माता को स्त्रियां अवश्य ही सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता को अर्पित करें, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में मुख शुद्धि के लिए अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। इसके बाद फिर भगवान गणेश जी की आरती करें, माता दुर्गा की आरती करें। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और फिर चंद्र देवता को जो कि कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि 9 फरवरी 2023 दिन गुरुवार को व्रत किया जा रहा है और चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय जो कि रात्रि 8:56 पे चंद्रोदय का समय है। बहुत से जगहों पर जो कि समय का कुछ फर्क होता है, तो इसके अनुसार लगभग 9:20 तक सभी जगहों पर चंद्रोदय हो ही जाएगा। अगर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं कुछ कारणवश, तो चंद्रोदय समय के अनुसार फिर इसके बाद आप भगवान गणेश का पूजन करें, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें और उसके बाद फिर शुद्ध और सात्विक आहार भोजन ग्रहण करें। चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय आप इन मंत्रों का अगर उच्चारण करते हैं तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। मंत्र क्षीरोदारण वसम भूत अत्रि गोत्र समुद्भव गृहाना अर्घ्यम शशांकेदम रोहिणी सहितम मम। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करें या ओम सोम सुमाय नमः, इन मंत्रों का भी उच्चारण करते हुए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्र दोष निवारण के लिए आप इन वस्तुओं का दान करें। अगर कुंडली में चंद्र दोष आदि हो
तो बांस से निर्मित पात्र, चावल, सफेद फूल, चीनी, चांदी, बछरे से युक्त सफेद गाय, श्वेत वस्त्र, दही, मोती, कपूर आदि का दान करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए, जब भी आप व्रत को धारण करते हैं तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि भगवान गणेश के नामों का जप करना चाहिए, ओम गं गणपतये नमः इन मंत्रों का जप करें या श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का अवश्य ही जप करना चाहिए। मन ही मन जहाँ तक हो सके व्रत के दौरान कम बोलनी चाहिए। अगर आप ज्यादा बात करते हैं तो कभी कभी मुख से न निकलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं, इस कारण से जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, धर्म का आचरण करते हुए रहे, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश जो कि सभी प्रकार के संकटों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।